आंध्र प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को विधानसभा पटल पर बहुमत साबित करने के निर्देश दिए हैं। जी हां, आपको बता दें कि इसी के साथ राज्य में एक सियासी सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ गई है। लगभग आधी रात को राजभवन से इस बाबत एक पत्र राज्य के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ को भेजा गया। राजभवन से सीएम को जारी किए गए पत्र के मुताबिक राज्यपाल ने सीएम को कहा कि मध्य प्रदेश की हाल की घटनाओं से उन्हें प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उनकी सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है और ये सरकार अब अल्पमत में है। राज्यपाल ने कहा कि ये स्थिति अत्यंत गंभीर है और सीएम कमलनाथ 16 मार्च को सदन में बहुमत साबित करें। वहीं खबर है कि कांग्रेस राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। आपको बता दें कि इस चिट्ठी में राज्यपाल लालजी टंडन ने एमपी के हाल के राजनीतिक घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा दिया है और सीएम कमलनाथ को सदन में विश्वास मत हासिल करने को कहा है। राज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा है कि मुझे जानकारी मिली है कि 22 विधायकों ने मध्य प्रदेश विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को भी इसकी जानकारी दी है। मैंने इस बाबत मीडिया कवरेज को भी देखा है। राज्यपाल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 174 और 175 के दो में वर्णित संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए वे निर्देश देते हैं कि एमपी की विधानसभा का सत्र 16 मार्च को उनके अभिभाषण के साथ शुरू होगा। राज्यपाल ने स्पष्ट किया है कि उनके अभिभाषण के तत्काल बाद ही सदन में जो एकमात्र काम होगा वो विश्वास मत पर मतदान होगा। SPN 9 न्यूज़ से पुष्पा की रिपोर्ट।